सुखजिंदर सिंह रंधावा ते अशोक गहलोत के खिलाफ बोले एडवोकेट धामी, कहा कांग्रेस सिख मामलों च बेलोड़ा दखल करने की ना करे कोशिश, सिख शक्ति नूं कमजोर करने के यतन करे बंद। श्रोमणी कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कांग्रेसी आगू सुखजिंदर सिंह रंधावा ते राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाल मिलके राजस्थान गुरुद्वारा कमेटी बनाने के मनसूबे की सख्त शब्दों में निंदा की है। एडवोकेट धामी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही सिख मामलों के बेलोड़ा दखल दे के सिख शक्ति कमजोर करने के यतन करती रही है, हुण भी इसके आगू सिख शक्ति वंडन के यतना विच ने। उन्हें कहा कि कांग्रेस पार्टी की तत्काली भुपिंदर सिंह हुड्डा सरकार ने राजसी खेड खेडद्या हरियाणा अंदर सिख शक्ति वंडन की चाल चली सी। इस दे नाल ही उन्हें होर की कुछ कहा थोन भी सुना दें। कांग्रेस जमात हमेशा ही मैं समझना सिखा दे हर एक धर्म के हर एक कार्ज के दखलअंदाजी करती है और करती भी रही तो कर भी रही है। पहला 2014 के इन्हीं हरियाणा कमेटी का एक्ट वखरा बनाता, आ हुण जिहड़ी लेटेस्ट ये कल अपने चीफ मिनिस्टर श्री अशोक गहलोत नूं इस डिप्टी CM एक्स डिप्टी CM सुखजिंदर सिंह जाके मिल के आउंदा कि राजस्थान के भी गुरुद्वारा कमेटी वखरी बनाई जाए। ये मैं पुछदा भाई इन्हां ने कांग्रेस ने यह ठेका ही लै लिया भाई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हर काज के दखलअंदाजी करनी। मैं इहदी सख्त निंदा भी करदा और ताड़ना भी करदा भाई एक पासे तुसीं कहिंदे असीं धर्म की दखलअंदाजी नहीं करते, आह तां धर्म के सीधी दखलअंदाजी आ। पहलां हरियाणे के हुड्डा साहब ने बनाया एक्ट, हुण तुसीं राजस्थान के यतन कर रहे तो फिर हुण अपने हिमाचल के सरकार आ गई तुहाडी उत्थे भी यतन करोगे। जिक्र योग है कि एडवोकेट धामी ने कहा कि कांग्रेसी आगू सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाल मिलकर राजस्थान के भी वक्री गुरुद्वारा कमेटी बनाने की योजनावां बना रहे हैं जो कदे भी प्रवान नहीं कीतियां जाणगियां। उन्हें कांग्रेस पार्टी को ताड़ना करते कहा कि वह सिखा के धार्मिक मामलों के दखल देना बंद कर दे ते नाल ही उन्हें सिख संगतां भी कांग्रेस दियां सिख शक्ति कमजोर करने वाली चालों तो सुचेत होने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट चढ़दी कला टाइम TV।